धर्मशाला के रहने वाले पेंटिंग आर्टिस्ट मुकेश थापा ने एक बार फिर से धर्मशाला को देश प्रदेश और विदेश में अपने आर्ट के जरिए नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। दरअसल इस युवा पेंटर मुकेश थापा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की ओर से पूरी दुनिया में बेहतरीन 75 फाइनलिस्ट में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। ये प्रतियोगिता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा रिचसन 75 इंटरनेशनल आर्ट कंपटीशन के बैनर तले आयोजित की गई थी, जिसमें दुनिया के सबसे दी बेस्ट आर्टिस्टों को फाइनल सूची में चयनित किया जाता है। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के तमाम देशों के पेंटिंग आर्टिस्टों की ओर से हिस्सा लिया गया था और इसमें भारत की ओर से धर्मशाला निवासी इकलौते पेंटिंग आर्टिस्ट मुकेश थापा ने फाइनल सूची में जगह बना ली है। सर, ये जो एक वर्ल्ड लेवल की जो पेंटिंग कंपटीशन होता है, इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए आर्ट के, क्योंकि इस पेंटिंग प्रतियोगिता में पूरे दुनिया से, क्योंकि कंट्रीज़ पूरी दुनिया में आई थिंक 200-250 कंट्रीज़ हैं, तो उसमें हर एक आदमी इस कंपटीशन में, मतलब कलाकारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हर कलाकार अपनी अपनी पेंटिंग इस प्रतियोगिता के लिए भेजता है, जिसमें पूरे वर्ल्ड से पेंटिंग आती हैं। तो उसमें, मतलब उस पेंटिंग में बहुत ही हाई लेवल का काम नॉमिनेट किया जाता है जो वर्ल्ड लेवल का हो, तो उसके लिए जितने भी मास्टर हैं आर्ट में, उस पेंटिंग को बीट करना पड़ता है, तब जाके आपका एक काम नॉमिनेट होता है। तो काम नॉमिनेट तभी होता है आपका जब आप एक वक्त लगा के उसको, क्योंकि इस पेंटिंग को 6 महीने लगे हैं पूरे, तो इसमें डिटेलिंग काफ़ी है, तो वो चीज़, क्योंकि फ़ौरन में एक पार्शलिटी नहीं होती है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल एक एक्यूरेट निर्णय देते हैं, तो तभी मेरा भारत की तरफ से नाम आया। तो एक एक्यूरेट चीज़ जब दुनिया में जाती है तो वो उभर कर जब सामने आती है तो वो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देती है। तो इस पेंटिंग को मैंने एक अलग टॉपिक था ये, और कॉपी नहीं था, कॉपी के किसी से कॉपी नहीं किया गया था पेंटिंग, और इसमें डेप्थ मैंने काफ़ी दी हुई थी, और जो टॉपिक था लैंडस्केप सीस्केप्स वाला, तो उस ये पेंटिंग मैंने भेजा था, तो उसमें बेहतरीन पूरे दुनिया से सिर्फ 75 पेंटिंग का चयन किया जाता है, तो भारत की तरफ से ये पेंटिंग नॉमिनेट हुई, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इसमें पूरे वर्ल्ड से किया था, जिसमें मुझे कुछ नाम मैं आपको बताऊँगा, जैसे ग्रीस, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, चाइना और कई कंट्री थी, लगभग पूरी कंट्री से, लेकिन जो नाम नॉमिनेट हुए हैं वो 75 के थे।